बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जैन और आप देख रहे हैं जैन टीवी। आज की वीडियो में पांच मरले पर मुश्तमिल एक डबल स्टोरी बेहतरीन बना हुआ एक घर फॉर सेल लेकर आया हूँ। करीमपुरा का ये इलाका है। मुकम्मल टाइल मार्बल सीलिंग का इस्तेमाल, पाँच कमरों पर मुश्तमिल, दो बाथरूम्स और मुकम्मल टाइल मार्बल सीलिंग का इस घर में इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप ये फ्रंट एलिवेशन पर भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मुकम्मल इस पर फ्रंट पर भी ब्राउन कंट्रास्ट के साथ, वाइट ब्राउन कंट्रास्ट के साथ खूबसूरत जो है वो बना हुआ इसके जो फ्रंट एलिवेशन और मेन डोर डिज़ाइन और ओवरऑल जो काम है वो ज़ाती जो है अपने रहने के लिए बनाया। जस्ट जो है किसी वजह से इस मूव होना चाह रहे हैं जो ऑनर्स हैं, अदरवाइज़ घर का मटेरियल जो है वो आपको इन साइड जब आप टूर करेंगे उसको देख कर बखूबी आइडिया हो जाएगा जी। तो घर के अंदर की डिटेल्स देने से पहले जो चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को भी सब्सक्राइब करते चले, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये देखें, नीचे इन्होंने चिप्स का इस्तेमाल कर रखा है ताकि जो है घर में किसी तरह का कोई सेम वगैरह का इशू फेस करने को ना मिले। काफ़ी प्यारा फ्रंट एलिवेशन ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लंथ की बात की जाए तो मौजूदा जो गली है 16 फीट की, उससे प्लंथ बेहतरीन ऊँचा है कि इन फ्यूचर भी आपको प्लंथ के हवाले से कोई मसला फेस करने को नहीं मिलेगा। उसके रीज़न ये है कि घर न्यू है, रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही इसकी कंस्ट्रक्शन की गई, कि ओल्ड घर में या उस तरह पुराने घरों में नहीं फॉल करता, ये रिसेंटली इसकी न्यू कंस्ट्रक्शन की गई। आप जो राइट लेफ्ट घर हैं उनको देख कर इसका आइडिया लगा सकते हैं कि जो मौजूदा इसका प्लंथ है वो सब घरों से वो अच्छा और ऊँचा है जी। तो फेवर्स मेन डोर डिज़ाइन आप देख लें जी। तो एंटर हो तो जी, सबसे इसका अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा ज़ाती तौर पर वो ये है कि इसका जो पार्किंग और हॉल एरिया है इसको मर्ज कर दिया गया है। उससे क्या हो जाता है कि आपके पास स्पेस ज़्यादा हो जाती है, कि पार्किंग स्पेस बास औकात आपके पास गाड़ी नहीं होती तो वो पार्किंग स्पेस आपकी हाँ महा ही ज़ाया हो रही होती है, वो किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही होती। इसलिए जब इसको मर्ज कर देंगे, इन केस आपके पास कार है तो आप इजीली गाड़ी एक साइड पर पार्क कर सकते हैं बाकी एरिया को सिटिंग के तौर पर, अगर गाड़ी नहीं है तो मुकम्मल एरिया को सिटिंग के तौर पर अच्छी गैदरिंग यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। हॉल के ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप देखें, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा सीलिंग डिज़ाइन जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सीलिंग वगैरह जो है वो ये रिसेंटली ही करवाई गई है। और ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें आपको इस तरफ ड्राइंग रूम, बाथरूम, एक बाथरूम अंदर ड्राइंग रूम के साथ, बेहतरीन किचन, दो बेडरूम्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके बॉर्डर्स पर जो है वो टाइल का प्रॉपर वो इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से अपर पोर्शन जाने के लिए स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स के ऊपर जो मौजूदा रेलिंग है वो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी खूबसूरत डिज़ाइन और लेटेस्ट डिज़ाइन वाली इस्तेमाल की गई है। लेफ्ट साइड पर जो ड्राइंग रूम है जिसकी एक्सेस बाहर से भी थी वो मैं आपको दिखाता चलूँ, तो ये आप ये देख लें। सबसे पहले इसका ऊपर यूनिक सीलिंग डिज़ाइन देखें जो कि नहायत ही खूबसूरत है। प्लस जो है ये देखें, मुकम्मल दीवार पर टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, नीचे मार्बल का इस्तेमाल। और यहाँ से जी इसकी एक्सेस है जो कि बाहर गली वाली साइड से है, बड़ी विंडो भी इधर यूज़ कर रखी है। यहाँ पर जी इसके साथ सेपरेट एक अटैच बाथरूम है जिसमें सिंपल सीट का इस्तेमाल किया गया है। और प्लस इस दीवार को भी मुकम्मल इन्होंने टाइल से सजा रखा है जी। बाकी मुकम्मल घर के अंदर सीसीटीवी, सॉरी अपना यूपीएस की वायरिंग, यूपीएस की फिटिंग ये यहाँ पर दे रखी है इन्होंने कि जस्ट आपने यूपीएस इस फ्रेम के ऊपर रखना है, यहाँ से कनेक्शन दे देना है। इसके अलावा मीडिया वॉल के लिए ये एरिया और जो है वो कनेक्शन भी जो है वायरिंग वो भी हुई हुई है। यहाँ से आप एक दफ़ा फिर से हॉल एरिया देखें, ये दूसरे एंगल से आपको मज़ीद क्लियर हो रहा होगा जी। तो व्यूअर्स, इसके हॉल में जो अटैच एक मतलब हॉल के साथ जो वॉशरूम है वो मैं आपको दिखाता चलूँ, तो ये भी पिंक कंट्रास्ट के साथ डबल सीट इसमें इस्तेमाल, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊपर इसके गोला डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है जी। तो किचन की तरफ बात में आते हैं, किचन मुझे पर्सनली तौर पर काफ़ी अच्छा लगा। तो पहले रूम नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो ये है जी इसका पहला कमरा
ड्राइंग रूम को अगर शामिल करें तो दूसरा कमरा आप इसको कहेंगे। नीचे बॉर्डर तक सब इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल कर रखा है, क्योंकि पानी वगैरह ज़ाहिर है बच्चों वाला घर भी हो तो वो पानी वगैरह पड़ता है, तो इस वजह से इन्होंने इसको सिक्योर कर रखा है। प्लस ये इनका ज़ाती प्रोजेक्ट था, कोई फॉर सेल नहीं था, जिस वजह से इन्होंने हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर रखा है। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से बहुत प्यारा सीलिंग डिज़ाइन, और डोर डिज़ाइन मुकम्मल डी डिज़ाइन वाले इस्तेमाल किए गए हैं जी। व्यूअर्स रूम नंबर टू की बात की जाए तो ये देखें, ये कमरा बड़े रूम में फाल करता है कि इसके साथ एक अटैच स्टोर रूम भी है, यानी आप बेड सेट इधर लगा दें, बाकी आप सामान ड्रेसिंग वगैरह या दीगर जो है वो उस तरफ आप लगा सकते हैं। नीचे देखें, इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल कर रखा है, और ये ऊपर सीलिंग डिज़ाइन। और इसके साथ जो स्टोर रूम है आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये स्टोर है, काफ़ी सारी स्पेस आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, और वेंटिलेशन भी आपको मिल जाती है स्टोर रूम में जी। व्यूअर्स बात की जाए इसके किचन की, जो कि पर्सनली तौर पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो है जी ये किचन। इसका लेडीज स्पेशल आइटम किचन ही होता है, तो किचन को इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक हुड लगा सकते हैं, और किचन से आपको बाहर गैलरी वाली साइड की भी एक्सेस मिल जाती है। किचन में इन्होंने ग्रिल जाली वाला दरवाज़ा इस्तेमाल कर रखा है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन होता है कि वेंटिलेशन वगैरह हवा वगैरह वो उसका मसला पेश नहीं आता। ये है जी बाहर, जो कि इसका लॉन्ड्री एरिया भी आप कह लें या वेंटिलेशन एरिया, जो कि मुकम्मल घर को वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है जी। व्यूअर्स ये था जी इसके ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर आपको तीन कमरे मिल जाते हैं, दो बाथरूम्स मिल जाते हैं, एक खूबसूरत किचन मिल जाता है, प्लस एक बड़े साइज़ का एक हॉल एरिया, जो कि हॉल और कार पोर्च को मर्ज किया गया है। ऊपर की बात की जाए तो स्टेयर्स के ऊपर मार्बल स्टील की खूबसूरत रेलिंग का इस्तेमाल, ये हिस्सा जो है ये UPS की जगह इन्होंने दे रखी है कि यहाँ पर आप UPS का कनेक्शन कर सकते हैं। प्लस ऊपर की बात की जाए तो व्यूअर्स यहीं से आप ये देखें, ऊपर से स्टार्ट से ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, ग्राउंड पर मुकम्मल खूबसूरत टाइल का इस्तेमाल, ये है जी इसके ऊपर सीलिंग। सामने बड़ी विंडोज़ का इस्तेमाल, जो कि मुकम्मल अपर पोर्शन को काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन वो प्रोवाइड कर देता है। ऊपर वाला पोर्शन भी नहायत खूबसूरत इन्होंने मैनेज कर रखा है, यहाँ से बाहर टेरेस की तरफ जाने का रास्ता, और ऊपर दो बेडरूम्स कुल जो है वो बनाए गए हैं सेम एज इट इज़, जो कि नीचे था बेडरूम उसी के साथ दीवारों पर दीवारें, ये ऊपर इस पर सीलिंग डिज़ाइन, और इस तरफ जो है रूम में सेम जो नीचे रूम था, इस इधर ऊपर इन्होंने दीवार नहीं दी, इस रूम को बड़ा कर दिया है, और ऊपर ये सीलिंग डिज़ाइन जी। व्यूअर्स ये है जी इसका अपर पोर्शन, जिसमें बड़ा हॉल, दो बेडरूम्स, किचन वगैरह की एडजस्टमेंट आप बाहर करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये ग्रिल जाली लगी हुई है, जो कि आपको वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर देती है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी इसको आप क्लोज कर सकते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स इसका टेरिस एरिया, और यहाँ से भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी वो अच्छा व्यू प्रोवाइड कर देता है। ये नीचे जो इन्होंने वेंटिलेशन दे रखी थी उसके ऊपर लेंटर से जो है प्रॉपर इसका शेड बनाकर इसको कवर कर दिया है। ये इन्होंने ओपन एक किचन टाइप बना दिया है कि अगर गैस वगैरह का इशू हो, सिलेंडर ख़त्म हो जाए या इस तरह का कोई मामला हो तो आप इसको किचन के तौर पर यूज़ कर सकेंगे, जो कि हमें नॉर्मली घरों में नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर इन्होंने ज़ाहिर है अपने लिए बनाया तो उस वाले से इसको बना रखा है। प्लस पानी का सिस्टम ऊपर दे रखा है कि आप ऊपर वाले पोर्शन को लॉन्ड्री के टाइप तौर पर भी वो यूज़ कर पाएंगे जी। फर्दर ऊपर टेरेस का भी मैं आपको शॉर्ट सा दिखा देता हूँ, फिर इसकी प्राइस शेयर कर देते हैं। अभी ऊपर की बात की जाए, ये देखें व्यूअर्स, ऊपर इन्होंने प्रॉपर हर चीज़ को सेपरेट और सेफ बना रखा है, कि ऊपर जो है दीवारों के ऊपर ये कांच लगा दिया है, ताकि किसी तरह का भी
मसला ना पेश आए, सेफ रहे घर। प्लस ये जी इसका टेरिस एरिया और राउंड अबाउट आप आबादियाँ देख लें, मुकम्मल आबाद एरिया है। मस्जिदें करीब, दुकानें करीब, उसके अलावा मेन रोड जो करीमपुरे वाली है वो बिल्कुल करीब। ये पीछे जो एरिया है, ये एरिया ये डोक मुकर्रब वगैरह एरिया में फॉल करता है। और इसके अलावा इस तरफ करीब ही जो है वो करीमपुरे वाली आगे मेन रोड आ जाती है। जी व्यूअर्स, ये था जी इसका मुकम्मल टूर। आ जाते हैं इसकी प्राइस पर, प्राइस शेयर करके वीडियो को एंड करते हैं। जी व्यूअर्स, 5 मरला डबल स्टोरी करीमपुरा में इस लोकेशन पर इस घर का आपको कम्प्लीट टूर करवा दिया, जो कि नहायत ज़बरदस्त बना हुआ है। जिस बंदे ने घर अच्छा सॉलिड भी बना हुआ और खूबसूरत लेना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और रीज़नेबल अमाउंट में भी ये आपको मिल जाता है। डबल स्टोरी घर है, मुकम्मल आपने टूर कर लिया, करीमपुरा मेन रोड के करीब ही आ जाता है। अंडर 1 किलोमीटर आप इस लोकेशन को लोकेट कर जाते हैं इजीली। तो इस वाले से उम्मीद करता हूँ आपको तो इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। डिमांड है जो इसकी, पहले तो मार्केट रेट में आपको प्रॉपर्टी रेट बताता चलूँ तो इस लोकेशन पर 4 लाख से प्लस ही डिमांड्स कर रहे हैं अब भी मौजूदा जो रेट्स चल रहे हैं। तो उसके मुताबिक इस लोकेशन पर जो इसकी डिमांड है वो थंबनेल से आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि अर्जेंट सेल है, और घर मुकम्मल जाती अपने लिए बनाया गया, कोई फार सेल प्रोजेक्ट नहीं था। तमाम काम आप देख चुके, टाइल्स, मार्बल, सीलिंग वगैरह। तो इस वाले से इसकी जो डिमांड ऑनर कर रहे हैं वो है 82 लाख रुपीज़। जी 82 लाख रुपये डिमांड है, बेसिकली डिमांड ज़्यादा थी लेकिन इसको रिड्यूस करके 82 रखी गई है। इसमें भी मौके पर कमी पेशी करवा कर डायरेक्ट फिजिकली ऑनर के साथ बिठा कर, कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, आपके साथ अच्छी और फेयर डील करवा दी जाएगी। दिए मोबाइल नंबर पर लाजमी रब्ता करें। मेरी तरफ से रिकमेंडेड ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो खूबसूरत घर चाहते हैं, सॉलिड चाहते हैं और इस बजट में चाहते हैं। उसके अलावा इस बजट के मुताबिक ये घर वैल्यू टू मनी भी है, बल्कि रीजनेबल अमाउंट में फाल करता है। बाकी आप आए फिजिकली एरिया विजिट करें, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, कीप वॉचिंग ज़ैन टीवी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा।